मुमुच्छू नीलेश मेहता का क्रिया भवन में हुआ अभिनंदन। रायपुर छत्तीसगढ़ में 23 नवंबर को लेंगे दीक्षा। दीक्षार्थी नीलेश मेहता ने दिया दीक्षा आयोजन में आने का भाव भरा न्योता। संसारी मोह माया छोड़ संयम पद की ओर अग्रसर। बाड़मेर निवासी मुमुक्षु नीलेश मेहता 27 जोधपुर विराजित साधु साध्वियों के दर्शन बंधन व स्वयं पद के लिए अग्रिम आशीर्वाद लेने तथा 23 नवंबर को रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाले दीक्षा आयोजन में आने को लेकर सभी संघों को भाव भरा आमंत्रण दिया। नगर स्थित क्रियाभवन आगमन पर मुनि जगत पूज्य विजय आदि के सानिध्य में तपागक्ष संघ ट्रस्ट मंडल की ओर से संघ सहसचिव ललित पोरवाल तथा कई संस्था संगठनों से जुड़े प्रवक्ता धनराज विनायकिया चंदन सिंह मनोज तिवारी आदि उपस्थित महानुभावों द्वारा संयम पद की अनुमोदना करते जयकारों के साथ मुमुक्षु नीलेश मेहता का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुमुक्षु नीलेश मेहता ने कहा, संसार असार है, आत्मिक सुख संयम जीवन से मिलता है। उन्होंने कहा, मेरी माता व परिवार का आभारी है जिन्होंने मुझे इकलौती संतान होते हुए दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। मुमुक्षु नीलेश ने सभी को दीक्षा आयोजन में आने का भार न्योता दिया। विनायकिया ने बताया, मुमुक्षु अरिहंत बुरड़ के साथ मुमुक्षु नीलेश मेहता दीक्षा प्रदाता खतरगच्छी पनवा पन्यास प्रवर विनय कुशल मुनि आदि ठाणा के सानिध्य में 23 नवंबर को जिन कुशल सूरी जैन दादी बाड़ी एमजी रोड रायपुर में भागवती दीक्षा अंगीकार करेंगे। संतोष कुमार करके जय जिनेन्द्र। मेरी दीक्षा रायपुर में 23 नवंबर 2020 मार्च की स्वधि 8 को रायपुर में होने जा रही है। गणाधीश उपन्यास पर विनय कुशल मुनि जी महाशय के चारित्र ग्रहण करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मेरा चारित्र ग्रहण कंटक बने। आपका दीक्षा का भाव तो ज़्यादा 2017 में लगभग जब दुनिया सरकार उसमें दीक्षा का भाव होगा और 2020 में विराट मुनि महाशय प्रचार कुमार बाड़ी में था तभी उनसे संकल्प बना और स्वाध्याय कई कड़ी चलती रही और जय श्वेतांबर मूर्ति गुजर तपागर्षण के तत्वाधान में आज मुक्सु भाई यश मेहता बाड़मेर से पधारे, ये दीक्षा छत्तीसगढ़ में दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो उनकी दीक्षा की खूब खूब अनुमोदना करते तपागर्षण ललित जी दोस्तों को बोलेंगे। आप सब दीक्षा में पधारे और आशीर्वाद प्रदान। देखिए मुमुक्षु हमारे संघ में पधारे हैं, संघ की तरफ से बहुत बहुत आपका अभिनंदन स्वागत और आपका जीवन दीक्षामय और चरित्रमय हो और हम यही आशा करते हैं कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा और जिन शासन के लिए सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े।